खन्ना विखे आम आदमी पार्टी वालों कतल केस में नामजद व्यक्ति नूं पार्टी में शामिल करने ते विवाद छिड़ गया। इत्थों आप उम्मीदवार तरनप्रीत सिंह सौंद वालों कतल केस के कथित दोषी नूं पार्टी में शामिल करन दा जिथे पीड़ित परिवार ने विरोध किया उत्थे विरोधियों ने भी आप की इस हरकत की सख्त शब्दों में निंदा की है। पीड़ित परिवार ने पिंड विच आउण ते आप आगुआं नूं इट्टां वट्टे मारन का ऐलान किया है। खन्ना के पिंड पटियां विखे सितंबर 2021 विच कुलविंदर सिंह गांधी नां दे व्यक्ति का कतल होया सी। इस केस विच कुलविंदर की पत्नी अते राम सिंह वासी खन्ना खुद समेत पांच व्यक्तियों के खिलाफ कतल केस दर्ज किया गया सी। इस केस विच राम सिंह पुलिस हिरासत विच नहीं आया सी। राम सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मंग हो रही है। पीड़ित परिवार मुताबक राम सिंह अदालत वालों भगौड़ा करार है। हुण आम आदमी पार्टी वालों राम सिंह नूं अपनी पार्टी विच शामिल किया गया जिस करके परिवार वाले ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की है। कुलविंदर ते गांधी सी किने मारे उनूं? पांच जने ने मारे, दो जे कुड़ी है ओदे घर वाले, दो जे पड़ा। दूजे पासे आम आदमी पार्टी दी इस हरकत दे नाल इलाके विच सियासी माहौल गरमाया है। वैसे मंदभागी घटना, यदि मैं निंदा करदा। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जो हरकत की है, जो उन्होंने उम्मीदवार ने उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, इतों पता लगता कि किडे वड्डे हाशिए ते ने ये लोग और किस तरह किरदार बारे जिहड़े माड़े किरदार दे लोग ने उन्होंने अज आम आदमी पार्टी झाड़ू पार्टी जिहड़े कि अपने आप को आम आदमी दसते हैं, अज इहो जिहे जिहड़े एलीमेंट ने इहोजे जिहड़े गलत अंसर ने उन्होंने शामिल करवा रहे ने पार्टी के, तो इतों ही पता लगता कि इन्हां दी मानसिकता की है, किहो जी सोच रखते हैं। और ये जिहड़े अमन पसंद लोग ने जिहड़े भाईचारक और एक अमन अमान की जिंदगी बतीत करना चाहते हैं, उन्होंने भारी सट वजी है। इस पूरे मामले नूं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तरनप्रीत सिंह सौंद ने विरोधियों की चाल दसते हुए कहा है कि जदों वह देहड़ू पिंड विखे 150 लोगों को पार्टी अंदर शामिल कर रहे थे, इस दौरान यह व्यक्ति भी उस समय आ गया। वह नहीं जानते कि व्यक्ति कौन है। पीड़ित परिवार नाल साडी गल हुई है। मैं भरोसा दिंदा है कि वह अजिहे अंसरां नूं पार्टी अंदर कदे भी थां नहीं देणगे। देखो जी, सब तो पहला मैं उहदे संबंध च तुहानूं इक गल दसणी चाहुंदा कि असी आम आदमी पार्टी ने कोई भी वह बंदा जाके ना वो पिंड ना वो मतलब कि नगर च जाके कोई शामिल नहीं करवाया। साड़ी दहाड़ू एक मीटिंग चल रही सी, तो साड़ी वो मीटिंग दे विच जर्नली मीटिंग चल रही सी। ये विरोधियों की बहुत बड़ी साजिश है, विरोधी पार्टियां की। उत्थे साढ़े को एक बंदा उन्हूं स्कूटरी के पिछे बिठा के लैके आया और आके सानू कहना जी ये आजाद उम्मीदवार आजाद कैंडीडेट लड़िया होया भी इन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है भी इन्हें 400 वोटा इनू आजाद उम्मीदवार की तौर पर पाइया ने भी तुसी इनू काइंडली ज्वाइन करा दो। तो उत्ते 150-200 बंदे ने दहाड़ू पिंड दे ने होर भी ज्वाइन किया सी, परंतु साढ़े दिमाग दे विच ये गल उदो आई भी दहाड़ू पिंड दे विच आके एक छोटे खन्ने का बंदा क्यों ज्वाइन कर रहा। तो जदों असी मतलब कि उत्ते 150 बंदे की ज्वाइनिंग हो रही सी, असी 151वां सरोपा इहदे इस लोट गल च पाया सीगा कि भी जिवें एक जनरल ज्वाइनिंग हुंदी आ। तो शाम नूं मैनूं कोई यदि रिपोर्ट नहीं आई, पर अगले दिन सानू यह पता लग्या कि पट्टिया पिंड दे विच इस बंदे दा विरोध होया। जो जिहड़ी गल मेरे तक आई है वह यह आई है कि इहदी सिस्टर दे कोई मतलब कि इहदी जिहड़ी इस जिहदी गल तुसी कर रहे हो कथित बंदे दी भी इहदी इहदी सिस्टर दा कोई अपने हसबेंड दे नाल रौला सी जिहदे विच इहदी सिस्टर ने अपने हसबेंड दे मतलब कि कोई मर्डर दा चार्ज लग्या होया जिहदे केस 'चों अंदर ऑलरेडी अंदर है, वह लेडी अंदर है जिन्ना कि मैनू पता है।
ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਾਂਚ ਆ ਜੀ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਾਏ ਨੇਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੀਓ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਢੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹੈੜੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਹੈੜੂ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਖਲਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ